सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी स्पॉट एडमिशन को लेकर के, साथ ही साथ पीजी के 2023 के एडमिशन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट को बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में किसी भी सब्जेक्ट में सीट नहीं मिल पाया है, क्योंकि लगभग कॉलेजेस यही बोल रही है कि सीट जो है फुल हो चुका है हमारा, इसलिए जो है हम अभी स्पॉट एडमिशन में जो है आप लोग का नामांकन नहीं ले सकते हैं। आरडीएस कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो गया, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेज है, देखिए जो सीट्स बची हुई थी 21 जुलाई और 22 जुलाई को जो एडमिशन होकर के खत्म हो चुका है। अब जो बचा हुआ अगर एक आध दो सीट होगा तो वो स्टाफ कोटा वाला होगा, यानी कि टीचर का कोटा होता है, फिर स्टाफ कोटा होता है, तो एक दो सीट उसके अकॉर्डिंगली जो बचा हुआ होगा। तो इसमें जो है दलाल लोग ये भी सीट जो है खरीद लेते हैं ज्यादा ज्यादा पैसे दे करके। और स्पॉट एडमिशन में बहुत सारे कॉलेज से ये फीडबैक आया है कि वहां पे जो फीस है, रेगुलर जो फीस लिया जा रहा था, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया उनसे जो फीस वसूला गया, वो यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। स्पॉट एडमिशन में उसका ठीक दुगना पेमेंट जो है लिया जा रहा है। अगर किसी कॉलेज का 3,500 रुपए जो है फीस है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 7,000 और 7,500 रुपए तक जो है मांगे जा रहे हैं। तो स्पॉट एडमिशन में ये वाली जो धांधली अभी ज्यादा ट्रेंड पे है। यूजी में भी सेम यही चीज स्पॉट एडमिशन के दौरान देखा गया है कि स्टूडेंट से जो है ज्यादा ज्यादा पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मार्क्स जो है 38%, 39%, 40%, 42% इसी के अराउंड जो है 12th में था, जिसके वजह से यूजी में उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो स्पॉट एडमिशन लेने गए अच्छे अच्छे कॉलेज में, तो वहां पे उनसे अच्छा खासा फीस चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको शायद ये आपके मार्क्स कम होने की वजह से जो आपसे पैसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। पीजी में रही बात कि पीजी में क्यों किया जा रहा है, तो पीजी में भी मार्क्स कम, परसेंटेज कम होने की वजह से ही जो है ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कॉलेजेस। ये बात खुल करके नहीं बता रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है आप लोगों से फीस ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर ले आरडीएस कॉलेज की, एलएस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की, इन सभी जगहों पे जो है सुनने में यही आया है कि जो फीस है वो ज्यादा ज्यादा स्पॉट एडमिशन में चार्ज किया जा रहा है। तो कल तो बहुत लोगों का नहीं हो पाया स्पॉट एडमिशन में, आज बहुत लोगों का हुआ है। रही बात की अगर आप स्ट्रीम को स्विच करना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, इसका ऑप्शन जो है डिपार्टमेंट को ही दिया गया है या फिर आपके कॉलेज को ही दिया गया है। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं उसी कॉलेज को ये राइट दिया गया है कि वो अपने पर्सनल लॉगिन से खोल करके स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट खुद से एडिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने अकाउंट्स ऑनर्स में डाला है, तो आप इकोनॉमिक्स में खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये डिपार्टमेंट को ही राइट दिया गया है कि वो खुद से चेंज करके स्टूडेंट का एडमिशन ले सकती है। तो इसके लिए भी जो है बहुत सारे कॉलेज जो है 21-22 जुलाई को मना कर दिए हैं, सीधे बोले हैं कि 24 और 25 जुलाई को आओ तुम्हारा, तभी जो हम एडमिशन ले पाएंगे। जब तक कि हमारे खुद के स्टूडेंट का एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाए, यानी कि जो रेगुलर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके किए होंगे और वो इकोनॉमिक्स से पीजी करना चाह रहे हैं स्पॉट एडमिशन में, तो जब तक उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक किसी दूसरे स्ट्रीम वालों का जो है एडमिशन वो लोग नहीं लेंगे। ये बात डायरेक्टली बोल रहे हैं। आज आपके पास एक आखिरी मौका है कि आप जो है पीपीयू यूनिवर्सिटी, यानी कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। 22 से 24 वाला का जो एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो चुका है, क्योंकि उनका पहले ही एडमिशन हो चुका है। अभी जो है 23 से 25 वालों का जो है एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, तो आप इसमें अपना एडमिशन फॉर्म डाल सकते हैं, जो भी 2019 से 22 सेशन के या फिर 28 से 21 सेशन वाले फॉर्म तो भरे थे बिहार यूनिवर्सिटी में बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप पीपीयू में आप जो फॉर्म डाल सकते हैं पीजी के लिए। आज जो है आखिरी डेट है, 22 जुलाई को आखिरी डेट है। अब आपको क्या करना है कि सीधे पीपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर लेना है, और आपके पास जितना भी कोई कोटा वाला डिग्री है, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सारा एनसीसी का हो गया, तो ये सारा कोटा आप लगा करके अप्लाई करना, ठीक है, जिसके तहत जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस बढ़ जाए। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है डायरेक्टली इग्नू से जो है पीजी कर लो। इग्नू से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसकी मान्यता है पीजी डिग्री की, या इनके कोई सी भी डिग्री की अगर हम बात करें। नेपाल में भी जो है इग्नू का सेंटर है, तो आप अगर नेपाल में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट नेपाल से हैं, उन्होंने बोला कि बताइए हम क्या करें, हमें सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो है वहां से भी कर सकते हैं। इग्नू के बहुत सारे सेंटर अवेलेबल है। अब आप जिस भी स्टेट में रहेंगे, अगर चाहेंगे कि हम अपना जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में करा ले, हमने बिहार में एडमिशन लिया भले ही, लेकिन हम दिल्ली में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको इग्नू प्रोवाइड कराती है। और इग्नू का जो है लास्ट डेट जो है 30 जुलाई तक है, यानी कि 30 जुलाई तक आप पीजी में नामांकन अपना करवा सकते हैं। उसमें आपको 5400 रुपए तक जो है फीस पेमेंट करना होगा, और 300-400 रुपए रजिस्ट्रेशन का जो है फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मात्र मान के चलिए 20,000 के अंदर में आपका जो है पूरा डिग्री दे देगी। बाकी आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे आप नामांकन ले सकते हैं।
इग्नू में एक फैसिलिटी ये है कि आपको क्लासेस जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिस्टेंस कोर्स है, आपको पता है, आप कहीं से भी बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस इनके ले सकते हैं। साथ ही साथ इनके जो बुक्स है वो आपको कुरियर के थ्रू जो है पार्सल किए जाते हैं, और आपको मटेरियल भी जो है इग्नू प्रोवाइड करती है पढ़ने के लिए। बिहार यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पीपीयू में एडमिशन लेते हैं, तो इनके जो अपने नोट्स है उस नोट्स को आपको लेना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करने जरूरी है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं एडमिशन लेकर के कि क्या पीजी में क्लास अटेंड करें या ना करें, तो पीजी में आपको क्लासेस अटेंड करने जरूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि 75% अटेंडेंस नहीं होगा, एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देंगे, फॉर्म नहीं भरने देंगे, बहुत सारा चोचला होता है। तो इससे अच्छा है भैया कि आप चाहो तो इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। बिहार यूनिवर्सिटी में अगर लेते हो तो आपको कुछ दिन तो क्लास करना पड़ेगा, 1 महीने तक तो मान के चलिए कि कम से कम क्लास करिए, वो भी हफ्ते में 2 से 3 दिन ही क्लास होता है, डेली क्लास नहीं होता है। रूटीन आपको आपके कॉलेज से पता चल जाएगा, या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो पाया स्पॉट एडमिशन में पीजी में, तो वो लोग दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, या तो वो इग्नू में अपना फॉर्म भर दे, या फिर जो है वो अपना बीआरपीयू में ही जो है स्ट्रीम चेंज कर दे। अगर सीट खाली बचा है तभी स्ट्रीम आप चेंज कर पाएगा, अदरवाइज उसमें भी नहीं हो पाएगा। और इसके बाद एक आखिरी ऑप्शन पीपीयू का, 22 जुलाई तक आखिरी जो है डेट है पीजी एप्लीकेशन प्रोसेस का, तो आज के आज जो है फॉर्म आप भर लीजिए, उनका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।